नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में अक्सर आने वाली इलेक्ट्रिसिटी लाइन फॉल्ट को लेकर अब विद्युत विभाग के एसी संजय अरोड़ा द्वारा एक नई पहल के साथ शत प्रतिशत समाधान करने का बीड़ा उठाया गया है। आपको बता दें कि सिविल लाइन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक लाइन आसपास के पेड़ पौधों के साथ काफी उलझी हुई है। बीते कई वर्षों से यह उलझी हुई लाइन बरसात के मौसम में काफी खतरनाक बन जाती है। परिणाम स्वरूप हर आए दिन फॉल्ट का होना और लाइन का ट्रिप होना इस क्षेत्र में आम बात हो चली थी। हालांकि इससे पहले भी कई बार इस समस्या के समाधान के लिए कोशिश की गई, लेकिन इस जटिल समस्या का निजात विभाग द्वारा नहीं निकाला जा सका। लेकिन संजय अरोड़ा की सूझबूझ के चलते यह काम अब संभव हो गया है। उनके मार्गदर्शन में सिविल लाइन क्षेत्र के लिए 9 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक टीम में 7 सदस्य रखे गए हैं। वहीं बिजली के विभाग द्वारा प्रत्येक टीम को संसाधन एवं गाड़ियां मुहैया कराई गई। वहीं इस जटिल काम को निपटाने के लिए विभाग से रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुभव का भी सहारा लिया जा रहा है। इस पहल के शुरुआती दौर में ही काफी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आशा जताई जा रही है कि बेहद कम समय में सिविल लाइन क्षेत्र में लाइन फॉल्ट और ट्रिपिंग की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम राजनारायण पांडे है। मैं 4 साल हो गए जिससे रिटायरमेंट लाइन हमारे एसी साहब अरोरा जी के इतने संघर्ष से प्रयास से हम लोगों ने यहाँ आया और इस कार्य को पूरा करने के लिए हम लोग तन मन से लगे हुए हैं। साधन सुविधाएं जरूर थोड़ा सा पहले नहीं थी, लेकिन हमारे एसी साहब जो अरोड़ा जी हैं उन्हें हैंडा उपलब्ध कराया, 3-4 टावर गाड़ियां दी, पिकअप गाड़ी दी, स्टाफ भी बढ़ाया उनने और 8-9 गैंग बन रही है। एक गैंग में कम से कम 5-6-7 लोग ऐसे रहते हैं, जब जैसी जगह पड़ती है गाड़ी घटाए बढ़ाए भी जाते हैं। आज के लिए 55-60 लोग हमारे टीम में पूरा कार्य कर रहे हैं और 33-11 केवी का हमारा कार्य पूरा चल रहा है और पूरे झाड़ पेड़ों की कटिंग, पिन इंसुलेटर है, किक्स है, एवी स्विच है, डीओ है, इनके सबके जम्पर रिपेयरिंग जो भी है। तो जब सप्लाई बंद होती थी हम लोगों ने विचार बना के चला कि मतलब पूरा डीओ से लेके और ऊपर एवी स्विच मेन लाइन तक का पूरा रिपेयरिंग कार्य हम लोग कर रहे हैं, पूरी लाइनों का मेंटेन। और झाड़ पेड़ तो कटे रहे हैं, झाड़ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बहुत दूरी से कम अब लाइनों में आप देखें 15-20 फुट की दूरी आप लेके चल रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए साल दो साल भी अगर ना कोई ऐसी दिक्कत आए तो झाड़ ना भी कटेगा तो कोई आपको लाइन की दिक्कत नहीं। इसको लेकर ट्रांसफार्मर में भी कुछ फॉल्ट है जी? इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 11 के भी 33 में कोई डगाल टूट के गिरी तो जो अपने पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं बड़ी बड़ी सब स्टेशन में उनमें जर्क आता ही है, उसके बीच में जो छोटे ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई करने वाले तो कई बार उनकी एक फेस उड़ जाएगा, अंदर से मतलब कॉइलें भस्ट हो जाती हैं, भस्ट हो जाते हैं। ऐसा भी कई बार आए कि ट्रांसफार्मर के बुशिंग टूट जाती है, भस्ट हो जाए, स्टर टूट जाते हैं, तो उसमें भी कई प्रॉब्लम ऐसे होती है, ट्रांसफार्मर फेल हो जाते हैं। माना जाए कि ये तरीके का जो ये कार्य किया जा रहा है पहली बार हो रहा है, इसके पहले अलग तरीके से होता था? जी सर, ये काम तो पहले भी ऐसे होता था, क्या है अब कहना तो नहीं चाहिए, थोड़ा स्टाफ की भी कमी है, अपने विभाग में स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है क्योंकि दिनों दिन स्टाफ रिटायर हो रहा है। रिक्शा की तो बहुत बड़ी है क्योंकि अब हम लोग रिटायरमेंट सब 65-70 जिसे हमारे भाई साहब 70 वर्ष में पहुंच रहे हैं, मैं 66 पार कर चुका, 67 में लग गया, ऐसे हमारे बड़े भैया ये भी 67 में हो गए। तब ये है कि थोड़ा समस्याएं तो है, पर ये है कि हम लोगों के मार्गदर्शन डायरेक्शन से काम हो रहा है और कोशिश कर रहा हूँ कि त्यौहार तक में अपना अभी 10 दिन का समय है, 10 दिन में आप पूरी लाइनों का भी रख रखाव पूरी तरह से। आपका नाम? जी हमारा नाम राजनारायण पांडे, ईस्ट टीवी में लाइन में पहुंचे रिटायर। अभी पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे बारिश के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, सिविल लाइन एरिया में काफ़ी ज़्यादा लाइनें फॉल्ट होती थी। इसके लिए हम लोगों ने अपने लेवल पे टीमें बनाई, कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों को इसमें जोड़ा जिनके अनुभव का हम लोगों ने उपयोग किया। हम लोगों ने पूरा पेट्रोलिंग करवाई, टॉप पेट्रोलिंग करवाई, उसमें यह पाया गया कि कहीं पे इंस्पेक्टर बारीक पंचर थे उसको आइडेंटिफाई किया, डिस्क पूरे पंचर थे उसको आइडेंटिफाई किया, प्लस पेड़ जो बड़े हुए थे उसको आइडेंटिफाई किया, कहीं पे हमारे गार्डिंग लूज थी उसको आइडेंटिफाई किया, तार आपस में टकराते थे, सारे जब आइडेंटिफाई हो गए उसको हम लोगों ने 9 टीमें बना के और हमारी टीमें प्लस रिटायर्ड कर्मचारी अपने अनुभव का उपयोग करते हुए लगी। लगने के बाद में आज ये स्थिति है कि पिछले लगभग 1 हफ्ते से ट्रिपिंग की समस्या में थोड़ा सा कमी आई है, अभी काम लगातार चलता आ रहा है,
और ये काम अभी तब तक चालू रहेगा जब तक कि पूरी यहाँ की सिविल लाइन की एरिया की समस्या पूरी निजात नहीं मिल जाता है। इसमें हमारे एस सी साहब का बड़ा योगदान था, हमारे अधीक्षण एन सी साहब का, संजय अरोड़ा साहब का, हमारी कम से कम यहाँ पे लेबर गैंग अगर देखी जाए तो लेबर गैंग में 30 लेबर लगे हुए हैं, प्लस हमारा स्टाफ लगा हुआ है, रिटायर कर्मचारी लगे हुए हैं, पूरी 9 टीमें बना के हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। किस तरह की समस्या आती है? VVIP पे एरिया में काफ़ी कंप्लेंट मिलती थी, चूँकि पूरा ये जोन 1 का एरिया हमारा VVIP एरिया है, पूरा सिविल लाइन मिला के इसमें अचानक लाइन बंद होती थी, फॉल्ट ढूंढना पड़ता था, टाइम लगता था। उसका कारण ये था कि विगत कुछ वर्षों में मेंटेनेंस नहीं हो पाया था कुछ कारणों से, उन सबको आइडेंटिफाई किया गया, अब उसकी समस्या से निजात हो पाएगा। अभी समस्या पेड़ की समस्या भी थी, बारीक बारीक फॉल्ट अपने लेवल में मिलते थे, जैसे कि बारीक बारीक इंसुलेटर पंचर मिलना, इंसुलेटर बदलना, टॉप इंसुलेटर बदलना, डिस्क इंसुलेटर बदलना, तार आपस में टकराना, और गार्डिंग की समस्या थी, सब छोटी छोटी समस्या थी कि आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने उस पर, सब लोगों ने मिलके, और अभी जाके उस पर काम चल रहा हमारा। इतना बड़ा बेल्ट है हमारा, ये हमारा बेल्ट है, अभी 5-6 VIP फिटर मिला लिया जाए तो कम से कम ये हमारा 15-20 किलोमीटर का पूरा बेल्ट होगा VVIP एरिया का, इस पूरे एरिया में काम चल रहा हमारा। आपका नाम? LK नामदेव, कार्बन एवंती, पूर्व संभाग, जबलपुर। यहाँ पावर हाउस की लाइनें हैं जिनमें झाड़ पेड़ घुसे हुए हैं चारों तरफ से, उनकी बहुत सारी कठिनाइयां हैं कि उन काम को हम लोग नहीं कर सकते, संभव नहीं था, लेकिन श्री सर्कल 1 संजय अरोरा साहब ने उन्हें हमें साधन उपलब्ध कराए, तो साधन उपलब्ध कराने के कारण ही इस कार को हम लोग संभव कर रहे हैं। हेडरा दे रहे, गैंग दे रहे, टावर गाड़ियां दे रहे, ये पूरे साधन उपलब्ध कराए, तो इसमें से हमारी जितनी 9 टीम लगी हुई है वो पूरी टीमों को मिला के सब लोग झील मुल के सब कुछ करके इस कार को संभव कर रहे हैं। एक टीम में कितने लोग हैं? एक टीम में 6-7 लोग। लगभग पचपन लोग टोटल, 55 लोग। कितना दबाव रहता रहा जब फॉल्ट की? सर फॉल्ट तो इतना दबाव है कि हमने बताया ना कि इस कार को हम लोग कर नहीं सकते थे, संभव नहीं था। हम लोग रिटायरमेंट होने के बाद मैं BL कंपरिया लाइन इंस्पेक्टर मैं नहीं कर सकता था, लेकिन संजय अरोरा साहब ने ये पूरा मटेरियल साधन उपलब्ध कराए, गैंग उपलब्ध कराई, और ये भी देखा हमने उनने क्या होता है कि अगर हेडर में डीजल नहीं है तो डीजल नहीं भर रहा तो अपने जेब से पैसे दे के वो डीजल काम करवा रहे हैं। आपका नाम बता? BL कंपरिया। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।